बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कावेरी किचन में आप सबकी स्वागत है। आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाली रवे की हलवा, यानी सूजी की हलवा। कैसे बनाते हैं, क्या क्या लगता है, वो चीज़ आज हम दिखाएंगे। ये मैं पहले कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अभी मुझे चाहिए ये ऑयल, जो रिफाइन ऑयल है ये लेना है, राई की तेल नहीं लेना है, बस सरसों और थोड़ी किशमिश, अगर किशमिश नहीं रहे तो भी चलेगा, थोड़ी सी फूड कलर और ये पाइनएप्पल जो एसन होती है वो, शक्कर अपने हिसाब से, और ये रवा है और ये दो इलायची है, हरी इलायची। बस मेरी कढ़ाई जो है वो गर्म हो गया, तो थोड़ी ऑयल अभी डालेंगे जो सूजी यानी रवा को भूनने के लिए लगेगा, ज़्यादा नहीं कम डाली हूँ। अभी हम हाथ ऐसे करके चेक कर लेंगे, थोड़ी गर्म होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं, मीडियम, और एकदम ठंडे में नहीं देना है। ये मैं जो रवा रखा हुआ था यानी सूजी, इसको मैं ऐसे इसको भून लेंगे अच्छे से। अभी हम भून भून के यहाँ तक लाए, देखो इसको भूनने में कम से कम 5 से 6 मिनट लगा होगा, लेकिन ज़्यादा तेज आंच पे नहीं, थोड़ा स्लो रखना है। उसमें ये कलर आ गया है, एकदम थोड़ा कलर चेंज हो गया है। जब आप भूनेंगे तो आपको इसका खुशबू आने लगेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा जो मेरा जो रवा है उसको भूनना हो गया है। अभी इस टाइम में मैं इसमें ढालूंगी जो ये शक्कर रखी थी, इसको मैं आधा ही ढाल, पूरा ही ढाल देती हूँ, जिसको जैसे हिसाब से मीठा चाहिए, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही मीठा रखता है, इसके लिए मैं 1 कटोरी पूरा दी। अभी इसको अच्छे से मैं ऐसे मिक्स करके, मतलब इसको हिलाते जाएंगे, दोनों को एक साथ भूनना है। इसमें ज़रा सा भी हम लोग डालडा या तो घी, गावा घी जो होती है शुद्ध घी, उसका यूज नहीं करेंगे। हाँ, गावा घी या तो डालडा यूज करने में वो जम जाती है, और ये क्या जमेगा नहीं, ऐसी एकदम आपको फ्रिज में भी रख देंगे तो भी वैसे की वैसे ही रह जाएगा। अभी इसको 1 से 2 मिनट तक हम ऐसे चला लिए, मतलब भून लिए। अभी इस टाइम में मैं इसमें दूंगी पानी। हाँ, लेकिन थोड़ा संभाल के देना है, गर्म है तो इसमें अगर हम देंगे पानी तो वो जैसे अपने तरफ भी छिट्टा आ सकता है, वो हिसाब से आपको यह काम करना है। लेकिन जिस टाइम में हम पानी देंगे इसमें, उस टाइम में हमको आंच को एकदम धीमे रखना है, और इसमें हम पानी देंगे ऐसा जैसे मेरा जितनी सूजी है उसकी 2.5 गुना ज़्यादा। अब इस टाइम में मैं इसमें इसको ऐसी छोड़ूंगी नहीं, मतलब ऐसे ही रखना है, इसको बॉईल आने देंगे, और तब तक हम इसमें डालेंगे ये जो हम दो हरी इलायची रखे थे वो डाल देंगे, और ये जो हम किशमिश रखे इसको डाल देंगे। हमने इसमें कोई चीज़ का, मतलब जो ड्राई फ्रूट वगैरह उसका यूज़ नहीं किए, जैसे घर में हमेशा नॉर्मली जैसे सामान कभी कदर हमारा ख़त्म हो जाता है, तो उसमें ये चीज़ हम कर सकते। अगर आपके पास जैसे किशमिश भी नहीं रहेगा तो भी आप इसको बना सकते हैं। अभी इसमें हमको देना क्या है, ये जो फूड कलर हम रखे थे इसको देना है इसमें। अभी हमें इसको चलाते रहना है, इसको फुल आंच में चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। अब इस टाइम में हम देंगे क्या, ये जो पाइनएप्पल एसन है मेरा, इसको देना है 1 से 2 बूंद, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाएगा। बस इतना ही, इसको हम हिलाते जाएंगे जब तक इसका बॉयल ना आए। अभी ये आस्ते आस्ते खोलना चालू हो गया, तो आपको जरूरत है जैसे आपके हिसाब से आप क्या करना, थोड़ा बड़ा बर्तन ले लेना, मैं मेरे हिसाब से छोटे बर्तन में मैं कर लेती हूँ। अभी इसको आंच को धीमे करना है, ये अभी फूट रहा है तो इसको हम थोड़ा थोड़ा भूनते जाएंगे, और जो हम ऑयल रखे थे अभी इसमें हम थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाएंगे, एक साथ पूरा ऑयल हम नहीं डालेंगे। एक साथ ढालने में क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है उसका कम हो जाएगा, इसके लिए हम थोड़ी थोड़ी इसमें ढालते जाएंगे और इसको एडजस्ट करते जाएंगे। और ये थोड़ा सावधानी से करना है इसको, क्योंकि इसको ना जो है ये फूट के अपने तरफ उछल के आता है, आप देख सकते हो। अभी आप देख सकते हो मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा एक प्याली जो ऑयल था वो पूरा मैं डाल दी हूँ, और ऐसे साइड साइड से ऐसे होते जाएगा, मैं इसको हिलाते जाऊंगी जो इसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाए इसके लिए। और इस टाइम में एकदम आंच को धीमे रखना है,
इसको फुल तो एकदम नहीं कर रहे हैं, और आप देखेंगे कितनी टेस्टी सी यम्मी एकदम हलवा बनके रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास कभी मीठा खाने का आपको मन हुए तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा जो गावा घी नहीं है, ये ड्राई फ्रूट नहीं है, डालडा ख़त्म हो गई हो, लेकिन हमारे पास हमेशा ही अवेलेबल रहता है जो कुकिंग ऑयल, तो उसमें हम बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना भूलना नहीं, सब्सक्राइब कर देना यार। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी फिर मिलते हैं हम नए रेसिपी के साथ।